एक बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। करधनी थाना इलाके में सिर कटी लाश मिली है एक युवक की। गोविंदपुरा फाटक के पास ये लाश बरामद हुई है और ये लाश की शिनाख्त भी हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने अब तक मामला तक दर्ज नहीं किया है। पुलिस की एक बड़ी लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है। मुकुंदपुरा निवासी मोहनलाल का ये शव बताया जा रहा है, सिर गायब है इस शव का और पुलिस ने अब तक मामला तक दर्ज नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही पुलिस की। अपने सहयोगी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इस शव की शिनाख्त हुई और अब परिजनों को क्या इत्तला कर दिया गया है, परिजनों का क्या कहना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामस्वरूप जुड़ गए। रामस्वरूप, क्या कुछ जानकारी और सबसे बड़ी बात जो पुलिस की लापरवाही सामने आई है उसके बारे में बताइए। तो रामस्वरूप से जुड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी लापरवाही, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस समय बनी हुई है राजधानी में खासतौर पर, उसके बाद एक और बड़ा मामला जिसमें पुलिस पर हीला हवाली का आरोप लग रहा है, लापरवाही का आरोप लग रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामस्वरूप जुड़ गए। रामस्वरूप, पुलिस ने मामला क्यों नहीं दर्ज किया अब तक, ये बताइए सबसे पहले। देखिए, ये अभी परिजनों ने जो है ये आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनके कहने के बावजूद भी, लिखने के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं करी। पुलिस ने उनको ये कहकर के ठरका दिया कि अभी वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। हाँ। जबकि ये मामला जो है सुबह का है, अभी का नहीं है। सुबह करीब 7:30 बजे इस व्यक्ति की डेड बॉडी मिलती है जिसमें उसका सिर नहीं होता है, सिर्फ सिर कटा जो शव है वो मिलता है। जब उसके पैंट की जेब में उसका आई कार्ड मिलता है और उसके बाद उसी ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, उससे उसकी पहचान होती है। जब गरवाड़ों को बुलाया जाता है तो गरवाड़ आकर के उसकी पहचान करते हैं। हालांकि उसके बाद में पुलिस ने करीब 6-7 किलोमीटर तक पटरी के आसपास घूमी है, आसपास के इलाके में घूमे हैं, लेकिन उसका सिर कहीं नहीं मिला है। जो मृतक है वो मुकुंदपुरा निवासी मोहनलाल बुनकर है। परिजन क्या कहते हैं रामस्वरूप, आप इसको लेकर किसका, किसके ऊपर हत्या का शक, उन्हें संदेह? देखिए, ये परिवार वालों को ये कहना है कि उन्हें शक किसी पे नहीं है, लेकिन ये है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी जो सुडाड़ा में जिसका ऑफिस है वहाँ पर वो ड्राइविंग का काम करता था। हाँ। और कल सुबह 10 बजे वो गया था लोग काम करने के लिए, लेकिन वो वहाँ पहुंचा नहीं। कल दोपहर बाद जब उसे संपर्क करने की कोशिश की गरवाड़ों के द्वारा तो उसने फोन जो उसका स्विच हो पाया। आज सुबह उसकी डेड बॉडी मिलने की बात सामने आई थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया, ये बड़ी हैरानी वाली बात है। रामस्वरूप, जिस तरह से सिर गायब है, क्या इसको तंत्र मंत्र से जोड़कर भी पुलिस इस एंगल से भी जांच करने की बात कह रही है? देखिए, पुलिस ने अभी तक इस मामले को टालने की कोशिश कर रही है और ये कह रही है कि शायद ये सुसाइड हो सकता है, लेकिन यदि सुसाइड भी होता तो कम से कम उसका सिर जरूर मिलता। जहां घटनास्थल हुआ वहां से करीब 100 मीटर आगे, 200 मीटर आगे कहीं नहीं पक्का मिलता, लेकिन 6 किलोमीटर का एरिया खंगालने के बावजूद भी उसका सिर नहीं मिला है। ऐसे में चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए।